स्मार्ट सिटी कानपुर की पुलिस भी स्मार्ट होने जा रही है। अन्य देशों की तरह हमारे देश की पुलिस भी आधुनिक हथियारों को चलाने में सक्षम होंगे। दरअसल कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कानपुर जिले के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण लगातार पुलिस कर्मियों को मोटिवेट करते हुए उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी क्रम में इन पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से पुलिस लाइन में बनाए गए जनपद प्रशिक्षण इकाई में ये पुलिस कर्मी शस्त्र चलाने के तौर तरीके सीखेंगे, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में ये पुलिसकर्मी बदमाशों और अपराधियों से मोर्चा ले सकें। इस प्रशिक्षण इकाई में पुलिसकर्मियों को MP5 अत्याधुनिक पिस्टल जैसे हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से हथियार ऐसे भी हैं जो दरबान और पुलिसकर्मी साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें काफी समय से इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ऐसे हथियारों को इस प्रशिक्षण केंद्र लाकर उनकी साफ सफाई भी की जा रही है, ताकि किसी भी आपदा के समय ये हथियार इन पुलिस कर्मियों को धोखा ना दें। पुलिस कर्मियों के लिए दक्षता बहुत महत्वपूर्ण है और शस्त्र का प्रशिक्षण ये किसी भी पुलिस कर्मी के लिए जीने और मरने का अंतर क्रिएट कर देता है। इसके लिए जनपद प्रशिक्षण इकाई पुलिस लाइन में बनाई गई है, नियमित रूप से यहाँ पे प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे अत्याधुनिक शस्त्र हैं MP5 ग्लॉक पिस्टल, जिनके बारे में लोगों को प्रशिक्षण अभी किया ही नहीं गया था, उसका प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ क्रमवार ऐसे 30-30 के बैच लगातार चलेंगे, जिससे जो पुलिसकर्मी हथियार को अपने बेल्ट में या कंधे पे लेकर चल रहे हैं वो समय आने पे काम भी करे। इसके लिए जितने भी शस्त्र हमारे थानों पे हैं उनको क्रमवार रोटेशन से थाने पर लाया जा रहा है, पुलिस लाइन पर लाया जा रहा है, उनकी सफाई हो रही है और फिर उनको फायर किया जा रहा है, जिससे हम समझते हैं कि आज से 5 या 6 महीने बाद हमारे सारे शस्त्र एक बार फायर हो चुके होंगे। अगर किसी में कोई खराबी होगी तो उसको ठीक कर दिया गया होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने में हमारे शस्त्र काम करें, धोखा ना दे जाएं। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।